बताने वाला हूँ हमारा न्यू लॉन्च जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है 929 सीरीज का, उसका डेमो फीचर्स क्या है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, आप कस्टमर को कैसे गाइड करें। उसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ मेरा दूसरा वीडियो में। तो उस टाइम आपको जो चीज़ ध्यान में रखना है कि इंस्टॉलेशन टाइम में फर्स्ट कस्टमर घर में जाने के बाद जब कार्टून आप ओपन करेंगे उसमें एसेसरीज है कि नहीं वो चीज़ आपको देखना है। उसके बाद कहाँ पे कस्टमर लगा रहा है लोकेशन देखना है, वो एरिया मॉइस्ट थोड़ा ड्राई होना चाहिए, टॉयलेट आप अवॉइड करो। आप जो ट्रॉली हम लोग बोलते हैं ट्रॉली नहीं लगाने का है क्योंकि उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होगा। दूसरा उसका जो सप्लाई है 220 सप्लाई होना चाहिए, अर्थिंग बराबर होना चाहिए, ये सारा चीज़ आपको देखना है। उसके बाद इसका जो पीछे जो ट्रांसपोर्टेशन बोल्ट होता है वो भी आपको खोलना है, इसका सेंटीमीटर आपको ऊपर में रखना है, ठीक है। इस जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स आपको जो कॉमन पॉइंट्स है वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसके साथ साथ मशीन जहाँ पे होना है वहाँ पे वो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, मतलब मशीन हिलना नहीं चाहिए। उसका जो नीचे का जो लेग्स है लेग को प्रॉपरली टाइट करना है, और उसके बाद उसका जो नीचे जो बटन कवर है बटन कवर को भी आपको फिक्स करना है, ठीक है। तो बटन कवर कैसे फिक्स करना है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद बटन कवर जब फिक्स हो जाएगा उसके बाद आपको, क्योंकि इसका जो बॉटम कवर फिक्स करने का जो सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको आपको इसमें दिखा, बॉटम कवर अगर फिक्स करना है तो बॉटम कवर को आपको पहले ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ के वहाँ पे रेस्ट करना है नीचे में। रेस्ट करने के बाद इसको ऊपर की तरफ खींच के सामने की तरफ हल्का हल्का करके खींच लेना है, और यहाँ पे दो स्क्रू है, एक दाहिने तरफ और एक बाएं तरफ जो यूजर मैनुअल के साथ में होगा एसेसरीज में, दोनों स्क्रू को आपको स्क्रू कर देना, ठीक है। तो उसके बाद इसका जो मेन जो फीचर्स आता है, तो फीचर्स में क्या आता है कि इसका जो डिटर्जेंट बॉक्स है, ठीक है, इसका जो डिटर्जेंट बॉक्स है डिटर्जेंट बॉक्स थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा अगला जो आता था उससे। तो खोलने के लिए इसको पुश करना पड़ेगा और खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक डिवाइडर दिया, ठीक है। अगर कस्टमर पाउडर डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं तो इसको थोड़ा ऐसे ऊपर कर देना, ठीक है, और पाउडर जो है डिटर्जेंट जो है इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर कस्टमर लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं तो इसको ऐसे करके रख के उसके बाद यहाँ पे लिक्विड डिटर्जेंट देना। अगर कस्टमर सॉफ्टनर यूज़ करेगा तो सॉफ्टनर यहाँ पे डालेगा, ठीक है। अगर कस्टमर कोई आपका सैनिटाइजर या डेटॉल ऐसा कुछ यूज़ कर रहे तो वो यहाँ पे कस्टमर दे सकते हैं, ठीक है। और सारा वो शुरू में ही दे देगा, ऐसा नहीं कि बाद में देने का है। तो मशीन अपना टाइम के हिसाब से उसको ले लेगा। इसमें जो और एक स्पेशल फीचर्स हमारा होता है कि जैसे कस्टमर को कभी डोर्स पावर कट हो गया, डोर नहीं खुल रहा, तो उसके लिए यहाँ पे इमरजेंसी दिया हुआ है। तो फर्स्ट इससे पानी को ड्रेन करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है एक स्क्रू ड्राइवर देखे या टेस्टर से इसको खींच के आपको इमरजेंसी डोर को कस्टमर खोल सकते हैं जब कभी डोर लॉक हो जाए। और यहाँ पे जो फिल्टर है वो हम लोग पहले भी बताए कि ये फिल्टर कस्टमर को बोलना है कि बीच बीच में आफ्टर 5-7 वॉश के बाद इसको क्लीन करना है, नहीं तो उसके अंदर कुछ कचरा फंस जाएगा तो प्रॉपर ड्रेन नहीं होगा और मशीन आपका इसमें एरर आ जाएगा। अभी इसमें ये जो मॉडल है इसमें हमारा अलग सा कोई पावर बटन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोग्राम कंट्रोलर है इसमें ऊपर में ऑफ लिखा है, तो इसको दाहिने तरफ या बाएं तरफ आप घुमाने से ये मशीन ऑन हो जाएगा। इसमें डिस्प्ले में जो फीचर्स दिया हुआ है यहाँ पे 16 मेरा प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। कॉटन सिंथेटिक मिक्स एलर्जी केयर बेबी केयर डेली डेलिकेट नीचे है स्पिन सॉरी 17th प्रोग्राम दिया हुआ है। शर्ट्स सेल्फ क्लीन ड्यूवेट जीन्स स्पोर्ट्स वेयर क्विक एंड रिफ्रेश। इसमें ये जो 7 प्रोग्राम है जिसमें एक हमारा स्टीम का फीचर्स दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, इधर ब्लू कलर का है और यहाँ पे स्टीम जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये स्टीम फीचर्स में ये काम करेगा, ठीक है। जो हमारा स्टीम फीचर्स है वो ओनली ये 7 प्रोग्राम ही काम करेगा, बाकी में काम नहीं करेगा। तो फर्स्ट जो है मेरा कॉटन प्रोग्राम है, ठीक है। कॉटन ऑटो होता है, एज पर कपड़ा का लोड के हिसाब से वो अपना प्रोग्राम टाइमिंग जो है वो ले लेगा। तो इसमें हम अगर स्पिन करना चाहते स्टीम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर मेरे को स्टीम सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे सिंथेटिक है उसमें भी हम स्टीम सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सिंथेटिक कपड़ा के लिए है। ये मिक्स टाइप का कपड़ा जो कॉटन और सिंथेटिक दोनों एक साथ अगर कहीं कपड़ा कस्टमर देना चाहते हैं तो वो मिक्स में दे सकते हैं। एलर्जी केयर जो है, एलर्जी केयर बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारा कस्टमर को
कुछ एलर्जी होता है कपड़ा का डिटर्जेंट, कपड़ा का अंदर जो डिटर्जेंट होता है कपड़ा से, तो कस्टमर उस टाइम ये प्रोग्राम यूज़ कर सकता है। बेसिकली इसमें क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर 90 तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हाई टेम्परेचर में क्या होगा, इसका जो अंदर बैक्टीरिया फंगस होगा तो वो किल हो जाएगा। दूसरा चीज़ स्टीम जो फीचर्स है हमारा, ठीक है, बेबी केयर में भी है, क्योंकि बेबी केयर जो है, बेबी का जो बच्चा का जो कपड़ा होता है उसमें जर्म्स ज़्यादा होता है, तो उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें टेम्परेचर जो है वो 90 तक जाएगा, ठीक है। सेम आपका जो डेली का जो कपड़ा है वो भी कस्टमर स्टीम से वॉश कर सकते हैं। और जो हमारा एक है रिफ्रेश प्रोग्राम, ठीक है, रिफ्रेश बेसिकली अगर जो कपड़ा मेरा घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है अलमारी में, ठीक है, जिसको हमने यूज़ नहीं किया है, पहले भी नहीं है, जस्ट उसको एक बार क्लीन कर लेना है, ठीक है, तो वो स्टीम प्रोग्राम में देना है, देखिए कस्टमर उसको यूज़ कर सकते हैं। रिफ्रेश में क्या होगा, वो पानी से वॉश नहीं होगा, ओनली स्टीम से वॉश होगा। तो बेसिकली स्टीम फीचर्स कैसे काम करते हैं, जैसे मैंने प्रोग्राम सिलेक्ट के लिए और स्टीम फीचर्स दबाया तो उस टाइम मशीन धीरे धीरे पानी लेगा, थोड़ा थोड़ा पानी लेगा और हीटर मेरा चालू हो जाएगा और अंदर ड्राम के अंदर वेपर क्रिएट होगा, जो वेपर क्या करेगा, कपड़ा के अंदर जो स्टेन्स है उसको साफ करेगा, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मल फीचर्स है, नॉर्मल प्रोग्राम है, वो नॉर्मल प्रोग्राम उसके बाद चालू होगा। तो हर प्रोग्राम के साथ साथ बेसिकली उसका टाइमिंग, उसका टेम्परेचर, उसका जो स्पीड है वो अलग अलग इनबिल्ट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई कस्टमर चाहते हैं तो उसको एडिशनल कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। उसके बाद है आपका स्पिन प्रोग्राम है, ओनली 7 मिनट का स्पिन प्रोग्राम है, कोई कस्टमर चाहता है कि खाली स्पिन करना है मेरे को तो वो स्पिन में दे सकते हैं। उसके बाद आता है आपका शर्ट्स, खाली शर्ट्स अगर कस्टमर वॉश करना चाहता है तो सेल्फ क्लीन फीचर्स जो दिया हुआ है, ये ड्राम जो है उसको क्लीन करने के लिए, कस्टमर एक्सपर्ट आवर फीचर्स हर 50 वॉश साइकिल के बाद एक बार सेल्फ क्लीन यहाँ पे आ जाएगा, तो कस्टमर को भी हर 50 प्रोग्राम के बाद, वॉश प्रोग्राम के बाद एक बार सेल्फ क्लीन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है ड्यूवेट, जो भारी या लॉन्ग कपड़ा होता है, जैसे कार्टेंस होता है, बेडशीट होता है या पर्दा का कपड़ा होता है, उसके लिए कस्टमर ड्यूवेट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है जीन्स, जीन्स कपड़ा के लिए स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स वेयर बेसिकली सिंथेटिक टाइप का जो कपड़ा होता है उसके लिए है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 40 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स कपड़े में कोई अगर कस्टमर ज़्यादा गंदा वाला कपड़ा दे देगा तो वो क्लीन नहीं होगा, क्योंकि ये ओनली 24 मिनट का प्रोग्राम है। उसके बाद आता है क्विक वॉश, कस्टमर को जल्दी है, उस कंडीशन में कस्टमर जस्ट 2-4 कपड़ा ही दे सकते हैं और जिसमें सॉयल या गंदा बहुत कम हो, ऐसा कपड़ा क्विक वॉश में कस्टमर देगा, ठीक है। और रिफ्रेश मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो बेसिकली इसमें हर फीचर्स ऑटो सेट है, ऑटो फंक्शन है, तो कोई भी एक फंक्शन सेट करके कस्टमर उसको डायरेक्ट अगर स्टार्ट करेगा तो मशीन बाय डिफ़ॉल्ट अपना प्रोग्राम के हिसाब से चालू हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये लॉक का साइन आ जाएगा, मान लो अभी डोर लॉक है, ठीक है, इन बिटवीन प्रोग्राम अगर वो पॉज करेगा तो डोर आपका ओपन हो सकता है, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद स्टार्ट पॉज के बाद, उसके बाद ये है आपका एक्स्ट्रा रिंस, अगर कस्टमर चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल रिंस, जो मशीन के प्रोग्राम में जो है रिंस है उसके साथ कुछ एडिशनल रिंस अगर करना चाहते हैं तो कस्टमर वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जिसपे जैसे ये कॉटन में या सिंथेटिक में आपका 2 रिंस है, ठीक है, एडिशनल। अगर मैं एलर्जी केयर सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें मेरा एडिशनल 3 रिंस दिखाएगा, सॉरी इसमें भी 2 है, ठीक है। तो किसी प्रोग्राम के साथ साथ हम ये एडिशनल रिंस अगर कस्टमर चाहते हैं तो वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा रिंस का सिम्बॉल है। उसके बाद ये स्पिन का स्पीड, तो कस्टमर जो बाय डिफॉल्ट जो इसका स्पीड दिया हुआ है वो चलेगा, उसके साथ साथ कस्टमर इसको बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं कपड़ा के हिसाब से, कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद ये टेम्परेचर बटन है, जो पानी का जो टेम्परेचर है कस्टमर एज पर इसका जो बाय हर प्रोग्राम के साथ एक बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर दिया हुआ है उसका मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल, ठीक है। मिनिमम लेवल हमेशा 0 होगा, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम एक लिमिट दिया हुआ है, तो कस्टमर क्या है कि जो बाय डिफॉल्ट जो उसका मैक्सिमम लिमिट दिया हुआ है उससे ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। कोई भी एक प्रोग्राम सिलेक्ट करें उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे ये प्रोग्राम है अपने डेली के, इसमें टेम्परेचर जो है वो 30 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, तो एज़ पर प्रोग्राम कस्टमर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं।
उसके बाद जो मैंने बताया कि स्टीम फीचर्स, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, और ये आ गया आपका डिले फीचर्स। डिले जो फीचर्स है, कस्टमर को क्या करना है, प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद उसको डिले फीचर्स को डिले टाइम सिलेक्ट करना है। ये जो टाइम है आपका अप टू 24 घंटा होगा, और डिले टाइम जो है वो आपका प्रोग्राम टाइम एंड डिले टाइम दोनों मिला के होगा। अगर दो घंटा बाद कस्टमर चाहता है कि मेरा दो घंटा बाद मशीन ऑन होगा, और प्रोग्राम टाइम अगर दो घंटा है तो कस्टमर को यहाँ पे चार घंटा टाइमिंग सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि चाइल्ड लॉक है, ठीक है। चाइल्ड लॉक करना है तो कस्टमर को जब प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद जब स्टार्ट हो जाएगा तब कस्टमर को डिले और स्टीम दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पे चाइल्ड लॉक का सिंबल आ जाएगा, और प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही चाइल्ड लॉक को हटा देना है, नहीं तो क्या होगा बाद में जब फिर मशीन ऑन करेगा तो उस टाइम ये टच बटन, ये कोई बटन काम नहीं करेगा, तो इसको हटाने के लिए दोबारा इसको प्रेस करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका चाइल्ड लॉक बटन। तो बेसिकली ये हो गया आपका डेमो फीचर्स, ठीक है। इसके साथ साथ एक और एक फीचर्स है कि ये जो हम प्रोग्राम चेंज कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, एक बीप साउंड आ रहा है। तो अगर कस्टमर चाहते हैं कि मेरे को ये बीप साउंड नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, मशीन को पहले सेल्फ क्लीन में रखना है। ये जो सेल्फ क्लीन है, सेल्फ क्लीन में रखना है, उसके बाद डिले, स्टीम एंड एक्स्ट्रा रिंच तीनों बटन को एक साथ प्रेस करना है। डिले करने के लिए फर्स्ट मेरे को इसको सेल्फ क्लीन में रखना है, और उसके बाद स्टीम, टेम्परेचर और जो एक्स्ट्रा रिंच तीनों को एक साथ प्रेस करना है। तो इस यहाँ पे बीप आ गया, तो अभी क्या होगा, ये बीप साउंड नहीं होगा। अभी दोबारा फिर इसको चालू करना है, तो ये स्टीम, टेम्परेचर और एक्स्ट्रा रिंच, ठीक है। तो अभी बीप साउंड आ गया, ये यूज़र मैनुअल में भी मेंशन होता है, तो उस हिसाब से कस्टमर को आप गाइड कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि दूसरा, बाकी जब हम कस्टमर पॉइंट पे जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हमको मिलता है कि कोई मोटर नहीं चल रहा है या कुछ एरर आ रहा है, तो उस कंडीशन में दो चीज़ हमको देखना है, एक इसका मॉडल सिलेक्शन बराबर है कि नहीं, और दूसरा इसका जो टेस्ट मोड में एक बार मेरे को मशीन को चला के देख लेना है कि मशीन मेरा बराबर सारा फंक्शन ओके हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ये जो मॉडल है मेरा HW70IM129, ठीक है। तो इसका जो मॉडल है, मॉडल सिलेक्शन जो आएगा वो C7P0 है, ठीक है। तो फर्स्ट मेरे को क्या करना है उसके लिए, फर्स्ट मशीन को मान लो मेरा मशीन पावर ऑफ है, ये फर्स्ट मेरे को पावर ऑन करना है, ठीक है। इधर मैं घुमा सकता हूँ, इधर घुमा सकता हूँ, ठीक है। पावर ऑन करने के बाद मेरे को डिले और जो स्पीड बटन है दोनों को एक साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पे C7P0 आ गया इस मॉडल के हिसाब से। अगर मेरे को इसको चेंज करना है, 8 kg करना है, कुछ करना है, तो उस कंडीशन में मेरे को इसको घुमाना है प्रोग्राम में आपको, जैसे C7P0 है, C7 मेरे को C8P0 करना है, ठीक है। तो C8P0 आ गया, तो अभी मेरे को इसको स्टार्ट बटन को प्रेस करना है, तो ये पास हो जाएगा, ठीक है। अभी दोबारा मैं देख लेता हूँ कि इसका मॉडल सिलेक्शन कौन सा है। तो मैंने C8P0 कर दिया था, C0P8 है, तो इसको अगर मेरे को फिर C7P0 करना है, तो मैंने प्रोग्राम में आपको घुमाया, C7P0 जैसे आ गया, मेरे को स्टार बटन को दबा देना, तो ये पास हो जाएगा। दूसरा इसका जो और एक फीचर्स है कि इसका टेस्ट मोड, ठीक है। इसका टेस्ट मोड के थ्रू हम इनलेट वाल्व चेक कर सकते हैं, इसका ड्रेन पंप चेक कर सकते हैं, इसका मोटर चेक कर सकते हैं, प्रेशर सेंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेरे को क्या करना पड़ेगा, मशीन को स्टीम और टेम्परेचर,
डिले और टेम्परेचर। फर्स्ट मेरे को पावर ऑन करना है और डिले और टेम्परेचर दोनों को एक साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पे डबल इट आ जाएगा। फर्स्ट वो डोर लॉक चेक करेगा, उसके बाद फिर मेरे को एक्स्ट्रा रिंग प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट मॉडल आ जाएगा, इसका जो मॉडल सिलेक्शन है, उसके बाद ये प्रेशर सेंसर जो है उसका मॉडल, सॉरी इसका जो सॉफ्टवेयर वर्सन है वो आ जाएगा। उसके बाद ये तीनों वाल्व को आपका सप्लाई देगा, ठीक है। यहाँ पे पानी नहीं है इसलिए प्रेशर सेंसर का जो फ्रिक्वेंसी है वो नहीं दिखा रहे, ठीक है। अभी फिर मेरे को इसका मोटर और ड्रेन पंप चेक करना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को फिर इसको ऑन करना है और डिले और टेम्परेचर को प्रेस करना है। जैसे डबल इट आ जाएगा तो मेरे को स्पीड बटन को प्रेस करना है। तो फर्स्ट ये ड्रेन पंप ऑन करेगा, ड्रेन पंप को चेक करेगा, उसके बाद यहाँ पे मोटर घूमेगा और मोटर का जो है वो 1000 RPM में घूमेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है ये 1000 तक आ जाएगा। अभी अगर हम इसका टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं, मतलब इसका हीटर चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर मेरे को क्या करना है, फर्स्ट मशीन को ऑन करना है और डिले और टेम्परेचर को दबाना है और फिर टेम्परेचर को दोबारा दबाना है, ठीक है। यहाँ पे E4 इसलिए आ जा रहा है क्योंकि मेरा मशीन पानी से कनेक्ट नहीं है। अगर पानी से कनेक्ट होता तो यहाँ पे हीटर का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे आ जाता, ठीक है। अभी मान लीजिए मेरा डोर लॉक खराब है या डोर ओपन है, तो हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो डिले और टेम्परेचर को मैंने दबा दिया, अभी कोई भी टेस्ट मोड में वो फर्स्ट डोर लॉक को ही चेक करता है, ठीक है। तो वो डोर लॉक यहाँ पे कट कट आवाज़ हो रहा है, मतलब वो चेक करे कि डोर क्यों लॉक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका E2 एरर आ जाएगा, इसका मतलब मेरा डोर लॉक में या डोर खुला है, ठीक है। इस मॉडल में हमारा जो इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस है और जो कॉमन एरर है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये भी कस्टमर को एक बार गाइड करते हैं, जैसे मशीन जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड जो है वो यहाँ पे मशीन का जो पार्ट्स है, मेजर पार्ट्स है, उसका डिस्क्रिप्शन है, कार्टून से निकालना है मशीन को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बॉटम प्लेट है वो उसको फिक्स करना है, ठीक है। पावर प्लेग पावर कॉर्ड जो है 16 एम्पेयर का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो कनेक्टिंग ड्रेन होर्स है उसको हमको 80 to 100 cm ऊपर में रखना है। उसके बाद जो कनेक्टिंग इनलेट कनेक्शन पाइप है उसको प्रॉपरली फिक्स करना है और ड्रेन पंप जो है, ठीक है, ड्रेन पंप का जो फिल्टर है वो भी क्लीन करना है, कस्टमर को गाइड करना है, और इनलेट का जो फिल्टर है वो भी कस्टमर को क्लीन करना है, बीच बीच में वो कस्टमर को गाइड करना है, ठीक है। और उसके बाद जो कॉमन हमारा एरर कोड होता है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आपकी कस्टमर जब कॉल लॉक करे अगर वो एरर कोड भी बता देगा तो उसमें क्या होगा, जो इंजीनियर जाएगा उसको भी सुविधा होगी कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस हिसाब से वो कस्टमर को भी गाइड कर सकते हैं या उस हिसाब से वो साथ में स्पेयर पार्ट्स कैरी कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी कस्टमर को एक बार दिखा देना है कि हमेशा ये चीज़ को वो कस्टमर फॉलो करे, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो आई थिंक ये कस्टमर को जब आप घर में डेमो देने जाओगे इसका प्रॉपरली इंस्टॉल करके कस्टमर को हर फीचर्स इसका बताना है और उसके बाद कस्टमर को समझाना है कि वो समझे कि नहीं, वो भी आपको कस्टमर से कंफर्म करना है।